इसको मार दो बोले थे, क्या बोले थे, क्या नाम है, रुबीना सैयद। रुबीना बेगम को कैसा मारो बोले थे, बीमारी डाल के मारो बोले, एक्सीडेंट करके मारो बोले, सुसाइड करा के मारो बोले, कैसा मार बोले। बोल जल्दी, और तुझे कहाँ से लाए थे पकड़ के, शमशान से, कब्रस्तान से? हाँ पूरी ताकत। हाँ, जादू कर चला था ना। रूबीना बेगम का क्या लेते थे, बाल, कपड़ा, मट्टी, चप्पल, क्या लिए थे, क्या लिए थे, बाल लेके गए थे, बाल, क्या लिए थे, बाल। अच्छा, कब ले गए थे, कितना टाइम हो रहा ली जाके, ज्यादा दिन हो रहे, कितने साल हो रहे, साल हो रहे, महीने हो रहे, कितने वक्त हो रहा, बता जल्दी। अच्छा, मैं नाम नहीं पूछा, सिर्फ मेरे को शनाख्त बता, अभी नाम नहीं पूछा मैं, कि वो औरत थी बाल ले जाने वाली कि आदमी था, बता रे, तो काट दूंगा पूरा। औरत थी, आदमी था, औरत थी, औरत थी। अच्छा, नाम नहीं पूछा मैं, मेरे को ये बता, इसके ससुराल की तरफ की थी, मायके की तरफ की थी, कहाँ की थी, नाम मत बोल, ससुराल की तरफ की थी, मायके की तरफ की थी, कहाँ की थी, रुबीना बेगम के ससुराल की या मायके की तरफ की? हाँ, किधर की, किधर की, ससुराल की। अच्छा, रुबीना को कैमे मिला के खिलाए, दवा ला के कैमे खिलाए थे, बिरयानी, तहरी, चावल, सालन, दाल, कैमे, कैमे, हाँ, कैमे, पूरा काट के चला दूंगा, जल्दी बोल। काय का खाना था वो, काय का खाना था वो, क्या था, बिरयानी, तारी, चावल, दाल, चावल, क्या था, जला जलाओ, बता जल्दी, मैं दो टुकड़े कर दूंगा। हाँ, कौन सा खाना था, अच्छा, इसके घर पे खिलाए, दूसरे के घर पे खिलाए, दावत में खिलाए क्या, बुला के, हाँ, उसके मरद को भी खिलाए क्या, खाली स्कूच। अच्छा, इसे मरद पे बच्चों पे भी जादू करे क्या? नहीं। ठीक है, चलो इसको बन के डाल दो और इसको उतार के अंदर सारी जला के इसकी सारी शक्तियों को खत्म कराओ, और बाद में इसको नाला को मेरे सामने लेके आओ, फिर इन्हें सब बयान करना, याद करके आके वो औरत कौन थी, उसके साथ कितने लोग मिले आ रहे थे, सारी दास्तान बयान करना, बाद में याद करके आके तो काट के भस्म कर दूंगा सब, समझ में आया ना, मौका दे रहा हूँ, चल याद करके आ जा, चलो लो कुत्ते सर बन के डाल दो उसको। पानी की गिलास दो, गर्द है इसमें। क्या नाम है, रुबीना सैयद, ओ रुबीना बेगम, हाँ पानी पियो, अरे पानी पियो जी, क्या हो रहा, 20 साल में जिधर जा बोले वाले के बारे में हाजिर हुआ था, नहीं हाजिर हुआ, किधर नहीं हुआ, साइकेट्रिक करा, डॉक्टर करा, आयुर्वेदिक करा, जिसमें जा बोला वाले के बाद अभी टोटल जीरो हो गया। अभी सुने ना क्या दास्तान मिली को, अभी वो बोल रहा कि खिला के छोड़े वाला शैतान वो, अब वो कौन तुम्हारे कुछ भी रिश्तेदार में ला के खा लिया, वो कौन है, कहाँ के ससुराल की तरफ बोल रहा था, औरत है, कौन है, क्या है वो, अभी के राउंड में नाम पूछेंगे, अभी नाम नहीं पूछा, पहले दूसरी राउंड में नाम पूछूंगा, और दूसरी बात कहेंगे लगे वाली झपट वपट ऐसा नहीं है, वो बोल रहे कि बहुत जगह गए, दवा खानों में गए, कितने बार हाजिर हुआ इससे पहले, कभी हाजिर हुआ क्या, हाँ एक दो बार, सवाल जो आप पूछ ले, नाम वाम कुछ निकला था, नहीं कुछ नहीं, क्या हुआ था फिर, जिन्नात वन्नात नहीं है, सिर्फ कितने साल पहले हाजिर हुआ था, दो साल पहले बताए थे उन्होंने, हाजिर हुआ था उन्होंने बता रहे, और उसने बोला था कि जिन्नात वगैरह है, जिन्नात ऐसे नहीं रहते, जिन्नात के अलग दास्तान रहती, खबीस अलग रहते, पिशाच अलग रहते, चुड़ैल अलग है, मरे वाले बदबू है अलग है, सब ऐसे अलग अलग है, और हर चीज का अलग अलग, एक मिनट जरा बात कर रहा हूँ, मुझे कपड़ा डालो, तुम्हारे वीडियो चालू है वो, तो ये जो दास्तान रहते तो ये सब मसले मसाइल ऐसे रहते, ये कहीं का लगे वाला नहीं है, ये लाकर डाले खिला कर, उन्होंने बताया कि बिरयानी में खिलाए, घर पे किसी को बुला के दावत दे के दावत में मिला के
उसको सब पेशेंट को खिला के आने वो सब लगा दिए थे बीमारियाँ और बहुत जगह लेके फिर ऐसा उनका कहना है कहीं हासिल हुआ सवाल जवाब तो हुए मगर उन्होंने बोला नहीं बोलते कि मैं कर लीजिए अपना मगर यहाँ तो उसके बाप को बोलना पड़ता है यहाँ तो सब मार मार के पसंद कर देते वो खत्म कर देते यहाँ फिर उसके बाद में ऐसी दास्तान रहती है कि ये जो जिन्नात और ये जो शैतान रहते लगे वालों का मसला ऐसा है कि खुद ब खुद आए और खुद ब खुद चले गए वो ज्यादा उनको करने की जरूरत नहीं रहती था मारने की पकड़ने की लगे वाले फिर झपट रही थी निकल रही ये जादू टोने वाला जो रहता तो उसको समझता नहीं कुछ क्यों नहीं समझता उसको शमशान से उनको कब्रस्तान से उठाए वाला रहता और उठाए बोले तो उसको पैदा करा रहता अमल के जोर से उसको कुछ समझता नहीं उसका युक्ति ड्यूटी समझती जाना पेशेंट को परेशान करना गला देना नहीं तुम्हारे के साथ मिल जाना फिर भाग के अपनी जगह पे आके छुप जाना उस तक चलते रहता ओके ये सब अलग अलग है इसलिए बेहतर है कि एक दूसरे पे से जादू टोने के वारा ये सब दास्तानें नहीं करना बहुत गलत बात है जो जादूगर के पास जाता हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हमें से नहीं है जादूगर की सोबत में बैठी है तुम्हारी इबादतें रद्द कर दी जाती पूरी जिंदगी भर की और तुम अल्लाह वालों की सोबत में एक लम्हा बैठेंगे हदीस में चुपूसी है और आपने फरमाया हदीस है कि आप अल्लाह वालों की सोबत में एक लम्हा बैठेंगे तो तुम्हारे 60 साल के सवाब का इबादत खत्म कर दिया जाएगा और जब तुम ऐसे गलत जगहों पे हदीस जादूगरों के पास देंगे तो उनसे कुछ नहीं होता जादूगरों की कुछ औकात नहीं किसी को फायदा पहुंचाने की जहमत देंगे मगर जहमत भी कितने दिन के लिए दी थोड़े दिन के लिए सकते हैं जो आप तक भी रात चल रहा दुनिया में जहमत अलग सब अल्लाह करा थोड़ा बहुत ढकनी में फंसा रहे मगर हटाने वाले पुल बिठा हुआ ना अल्लाह करे वो भी सब चीज़ों से हटा के वो राइट करा था नमाज पढ़ने दिन में वाला तुम्हारा नहीं जान लेता था ना कि तुम कैसे नमाज कर देंगे अभी तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है ना वो निकालिए ना जब अमल होते तो अमल के दौरान में ऑटोमेटिक उल्टियाँ होते हैं ऑटोमेटिक जुलाब लगते खुद ब खुद और दवा निकल के जाती है जो दवा वो लोग चिमक कैसा मखनाती स्लोहे को खींचता तो ये अंदर बैठ के दवा वारों को खींचते रहती कैच करते रहती जब ये निकल के गिर जाएगी तो पूरा तरीके से वो घिसम हो जाता तुम पढ़ेंगे सुना हर चीज़ के तरीके रहते हैं उस तरीके के हिसाब से उसका हल होता और जैसा कि तुम्हारे को अगर हार्ट का पेशेंट है और तुम बोलेंगे किडनी का ऑपरेशन करेंगे हम फिर कहाँ से हार्ट के पेशेंट राइट होगा और तुम बोलेंगे कि नहीं कलेजी का तिल्ली का पेशेंट है समझो उसके तिल्ली कुछ बढ़ गई या कुछ होगा लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तुम बोलेंगे नहीं लीवर उसका फेल है तो हम उसका हार्ट का ऑपरेशन करेंगे तो कहाँ से राइट होगा हर चीज़ का एक तरीका रहता है हर चीज़ को अल्लाह ने कुल्ली शैइन अद्दअ अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर सूरह जिन में कुल्ली शैइन अद्दअ हमने हर चीज़ को अदद में शुमार किया अल्लाह फरमाता हर चीज अदद में शुमार है और हर चीज का अलग अलग तरीका हर चीज के अलग अलग तरीके बता अल्लाह ने उसके हिसाब से हल करना पड़ेगा एक छोटा सा लॉजिक एकदम छोटा सा तुमको बता देना मैं एग्जांपल देके दिमाग का मर्ज है उसको उसका दिमाग खराब है उसका दिमाग डैमेज है तो तुम दिल का ऑपरेशन करेंगे तो कहाँ से उसको खराब होगा तो हर चीज का अलग अलग तरीका हर चीज का वही निजाम है और हर चीज के वो है कहाँ से लेंगे अभी तुम्हारे आने में आगे बोला ना मारने वाला अभी आगे पूरा तफसील में लेंगे उसको तफसील में बयान होगा आगे सही तरीके से अभी तो मैंने खाली सरसरी मुकाबला कराया कि अगर बता दिया अभी थोड़ा सा ट्रेला पूरी पिक्चर भी बाकी वो आगे बताएंगे इंशाल्लाह कि कौन डाला था कहाँ से आया था क्या मसला कुछ नहीं बस आस लेके आया बस अच्छे कर दीजिए हम से करा देते कैसा नहीं अभी देखे नहीं लाके पूछा नहीं हमें बीमारी समझ रही बीमारी तो अंदर से तो गलीस बदरू है ना वो बदमाश तो अंदर से बैठ के मनमाने कर रहा हूँ उनको यहाँ से पकड़ के मार पड़ेंगी जब अब उनको मार पड़ेगी चिंता करेंगे सब कौन के जादू कर तुम उनको सबको फिर उनकी अकल ठिकाने को नहीं क्या है अल्लाह के कलाम में पता चलती है वैसा नहीं रहता दो किस्म के रहते हो एक रहता जिन्नात शैतान दिमाग दोनों कंट्रोल में लगता और दूसरी बात जो बदरू ही रहते तो वो क्या करते हैं हाजिरी दो तीन किस्म की अलग अलग रहती एक हाजिरी ऐसी रहती है कि पेशेंट कुछ ही चल रहा था और एक हाजिरी ऐसी रहती कि पेशेंट की जबान चल रही सवाल जवाब हो रहे उसके दिमाग को भी समझ रहे हो सब बातें मगर कौन कर रहा और किसके कंट्रोल में है वो पेशेंट को नहीं समझता अरे इतना समय तक सब सवाल जवाब दे रहे सब बात कर रहे दिमाग चल जाएगा दिमाग चालू रहता और एक हाजिरी ऐसी रहती कि जो 100% पेशेंट कुछ ही चल रहा था पानी मार के उसमें क्या हुआ कुछ नहीं हुआ वो जिन्ना शैतान वो अलग वाली रहती है ये जो रहती ये बदरूहें वाली रहती बदरूहें जो कि मरने के बाद में शमशान और कब्रस्तान से कुछ गंदे अमल करके कुछ गंदे चीज़ों को उठाते उसको पैदा करते हैं फिर छोड़ते हैं बहुत अलग अलग तरह हैं वो अल्लाह ये सब चीज़ों से हर किसी की हिफाजत करे हिफ्ज़ो अमान में रखे
अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इन सब चीजों से तुम्हारे को हिफ्ज़ अमानी उसकी हिफाजत में रखे तो तुम महफूज रहेंगे। अब कलाम इलाही की रस्सी को मजबूती से थामेंगे तो गाने पिछड़ा टीमियां देखना बहुत मालूम हो तो फिर ना जो ना मांगे सीख वो तो दर दर मांगे भी। चलो अल्लाह करो इसमें ज्यादा सबको अमल कर लिया तो आगे के राउंड में सब बता दूंगा कौन कर रहा था क्या कर रहा है इंशाल्लाह।